अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल, प्रिंसिपल प्रिंसटन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जतोई। स्टूडेंट्स के इसरार पे हम लोग मुख्तलिफ मास्टर सब्जेक्ट्स के अहम मौजूई और मारूजी सवालात पे वीडियोस तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी एमए इस्लामियात की जो मारूजी है और उसके साथ साथ मौजूई हिस्से दोनों पे हमारी वीडियोस तैयार हो रही हैं। इसमें मौजूई हिस्से भी हो चुकी है, अब हम आ रहे हैं उसके मारूजी हिस्से की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ मास्टर सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके पास अहम सवालात की या 5 साल पेपर्स आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन टाइम ये चीज़ें मिलती रहें। तो आगाज़ कर रहे हैं हम सवालात का। बाद स्टूडेंट ने पूछा कि इन सवालात के जवाब कहाँ मिलेंगे, तो मकतबा दानियाल के हलशुदा पेपर और उनकी गाइड्स में इन सवालात के जवाब मौजूद हैं। 5 साल पेपर उन्होंने हल करके तैयार किए हुए हैं। तो इसमें पहला पेपर है इस्लामियात का अल कुरान, उसके जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं वो कुछ यूँ हैं। वही के लुगवी और इस्लाही मानी बयान करें। 2 अरबी तकरीर या आशूर के नाम, मुसन्निफीन, मारबा और कत्ल में फ़र्क बयान करें। आखिरी वही कब और कहाँ नाजिल हुई, इसराइलियात से क्या मुराद है, तफसीर तदब्बर कुरान की। शाहवलीउल्लाह का असल नाम, माँ वल्दियत, अलफौजुल किबरिया के वाले से इल्मुल हुकाम से क्या मुराद है। अकीदा तसलीस की तारीफ़ बयान करें। राबानियत से क्या मुराद है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। शुआरुल्लाह से क्या मुराद है, महकम आयात से क्या मुराद है। तफसीर बिलमासूर किसे कहते हैं। अमीन अहसन इस्लाही तफसीर तदब्बर कुरान की 2 नुमाया खसूसियात। तज़कीर बयामुल्लाह की वजाहत करें। हजूर सल्लम की 4 अजवाज मुतहरात के नाम लिखें। कसम यमीन की कौन सी अकसाम पर कफ़ारा लाजम आता है। अहद नबी के 2 कातबान वही के नाम। आसार साहबा के ज़रिए तफसीर कुरान की 1 मिसाल। इमाम हसास की तफसीर आकामुल कुरान की 2 खसूसियात। इसमें दूसरा पेपर है अल हदीस, इब्न हजर अस्कलानी की असूल हदीस पर लिखी गई किताब का नाम। हदीस मौकूफ़ की तारीफ़ करें। हिफाजत हदीस और अजमत हदीस के मुसन्निफीन के नाम लिखें। कौन सी 3 खसलतें हैं, जब वो किसी शख्स में हो तो वो ईमान की हिलावत पाएगा। सहीफ़ा सादका के तारुफ़ पर चंद जुमले लिखें। किसी एक ताबिक हदीस पर मुख्तसर नोट लिखें। कौन सी वो चीज़ या से वापस आ जाती है और एक साथ जाती है। हदीस सही ज़ायता की इस्लाही तारीफ़ नकल करें। हदीस पर आयत मुबारक का तर्जमा लिखें। फतहुल बारी के मौलिफ का नाम लिखें। इल्म अलू असूल हदीस की इस्लाही तारीफ़ बयान करें। मौकूफ़ की इस्लाही तारीफ़ करें। मुकम्मल हदीस की इस्लाही तारीफ़ बयान करें। हदीस मकतू और मुनकता का फ़र्क वाज़े करें। तामीर मस्जिद की फजीलत में 1 हदीस का अरबी मतन। हदीस जिब्राइल में क़्यामत के बारे में क्या वजाहत की गई है। कौन से 2 जुमले हैं जो रहमान के पसंदीदा और मीज़ान में भारी हैं। हदीस के माखज शरीयत होने के बारे में 1 कुरानी आयत मतन के साथ लिखी है। तीसरा पेपर है तकाबले अदियान, जरतश्त के मानी क्या है। नश्त के लुगवी मानी। अस्टोपा किसे कहते हैं। जवान किस मज़हब का अकीदा है। लफ्ज़ हिंदू के लुगवी मानी। नस्ली बुनियादों पर मबनी 2 मज़ाहब के नाम। अहदनामा कदीम की पहली 2 किताबों के नाम। गुनाहों से माफ़ीनामा का इजरा किस मज़हब में था। साबी और हवारी में फ़र्क। अकीदा तसलीस किन किन मज़ाहब में पाया जाता है। मज़हब की तारीफ़। आर्याई मज़ाहब के नाम। बनी इसराइल किस की सरकर्दी में अर्ज़ मुक़दस में दाखिल हुए। लफ्ज़ बुद्ध और गौतम के मानी। इलामी कुतुब के मुसन्निफ़ का नाम। स्टोपा किसे कहते हैं। गौतम बुद्ध ने इंसानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। कन्फ्यूशस की अहम तरीन किताब का नाम। बुद्ध ने कहाँ और कितनी उम्र पाई। तख्लीक कायनात के कितने अदवार हैं। ये तीसरा पेपर है जी। चौथा पेपर इसमें तारीख़ इस्लाम है। बरसग़ीर में अशात दीन के 2 ज़राए। बलबन का नज़रिया नस्ल। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद में फ़र्क। बैत रिजवान से क्या मुराद है। इखलाक नबी से मुताल्लिक कुरानी आयत। हल्फुल कौल से क्या मुराद है। निदवतुल उलमा के 2 मकासिद। अलबतरल का दीन इलाही। खिलाफत अब्बासिया का पहला और आखिरी हुक्मरान। मक्का में के 2 मराकज। हिजरत मदीना किस सन में हुई। कौन सी 2 औलियात उमर के नाम। कोई सी 2 औलियात उमर के नाम। सर सैद के 2 अहम कारनामे। दर्जल कुतुब के मुसन्निफ के नाम। तारीख रसूल मलूक और अल रहीकुल मख्तूम। ख़त्म नबूवत से मुतालिक कुरानी आयात। अरब वायदा से क्या मुराद है। हज़रत उमर की शहादत का वाक़या, वाक़या हुर्रा मुख्तसर बयान करें।
जलालुद्दीन अकबर का अरकान इस्लाम से सलूक, खिलाफत राशिदा की चार खसूसियात, अरबी ज़बान अदब, मुख्तर सवालात अरबी में तर्जमा करें, मेरे पास पुरानी साइकिल है, नसर यनसर के बाब से किसी और फेल का माजी और मुजारे तहरीर करें, मरकब इजाफी पर मबनी एक जुमला, मरकब तौसीफी की एक मिसाल, कससुल बन नबीन किसकी तसनीफ़ है, ला यसलमा के मानी लिखें, तफसीर आरागी में सूरत जलजला का सबब नज़ूल क्या बयान क्यों हुआ है, मगरब से क्या मुराद है, मिसालें दें, फेल अमर की तारीफ़ करें और मिसालें दें, इस्म की कितनी अकसाम है, नाम लिखें, हरूफ मुशब्बिल फेल कौन कौन से हैं, जुमला इसमें और फेलिया की तारीफ़ करें, मुअर्रब और मबनी की तारीफ़ करें, अरबी में तर्जमा करें, तुम कहाँ रहते हो, बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर का नाम, अबू लहब और उसकी बीवी का नाम, फेल अम्र हाजिर किस से बनता है, सलासी मुजर्रद के छः अबवाब, हरूफ नासबा की तादाद कितनी है, यद बैज़ा किस नबी का मौजज़ा है। ये हमारे पास पार्ट वन के शार्ट क्वेश्चन थे। अब पार्ट टू के जो मुख्तसर सवालात हैं उनकी तरतीब कुछ यूँ है। फ़िका में पहला तरतीब यह है कि तलाक़ बाइन कबरा की तारीफ़ बयान करें, तलाक़ हुस्न की तारीफ़ बयान करें, निकाह में गवाहों का होना ज़रूरी है, एक हदीस मुबारक तहरीर करें, इमाम मालिक के दो शागिर्दों में से दो के मुकम्मल नाम लिखें, इमाम मालिक के शागिर्दों में से दो के मुकम्मल नाम लिखें, आम अकसाम तहरीर करें, निकाह करना वाजिब है किस फ़िकह का नुक्ता नज़र है, हकीकत की अकसाम बयान करें, वली की सफ़ात बयान करें, औलिया की अकसाम बयान करें, मुज्तहिद की दो शरायत लिखें, खुतबा अलीउल खुतबा से क्या मुराद है, तलाक सुन्नत की तीन शरायत, खुला के बारे में कुरान करीम की आयत का तर्जमा, निकाह से मुतालिक एक अरबी हदीस मतन के साथ लिखिए, इमाम शाफी ने असूल फ़िकह की कौन सी किताब मुरतब की थी, बलू से क्या मुराद है, मुद्दा लह पर कब नाफिज हुआ, नाया से क्या मुराद है, तलाक सलासा की वजाहत करें, फ़िका इस्लामी की दो खसूसियात बयान करें। दूसरा पेपर है दावत इरशाद पार्ट टू का, आयात मुकम्मल कीजिए, ये सामने आपके सामने आयत का कुछ हिसार है, बाकी हिसाब मुकम्मल करें। नंबर दो है मस्जिद की फजीलत पर एक हदीस का तर्जमा लिखें। नंबर तीन हज़रत सुमान को जामिल कुरान क्यों कहा जाता है। गैर मुसलमों को दावत देने के लिए तीन कुरानी असूल लिखिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को किस दलील से जवाब दिया। दावत के वाले से एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की दो तालीफ़ के नाम लिखें। नबी का सलम को ताइफ के सरदारों ने क्या जवाब दिया, खुलासा लिखें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कौम को जो दावत दी उसका खुलासा। नबी सलम ने जिन हुक्मरानों को खतूत लिखे उनमें से तीन के नाम लिखें। उलमा हिंद का शानदार माजी। तमाम अम्बिया कराम की दावत का मुश्तरका कलमा कौन सा है, खुश खत लिखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदाइश के बाद कौम से जो कलाम किया वो लिखें। हज़रत बकर सदी की दावत से मुसलमान होने वाले तीन अफराद के नाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों से जो खिताब किया उसका अहवाल लिखें। अकीदा तौहीद पर एक कुरानी आयत का मतन और तर्जमा बयान करें। मस्जिद में दाखिल होते कौन सी दुआ पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कौन से इम्तहानात लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून को नबूवत मिली, वजह बताएं। सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाली दो ख्वातीन के नाम और सबसे पहले शहीद होने वाली साहबिया का नाम बताएं। तीसरा पेपर इस्लाम और जदीद मौशी तस्वरात और तहरीकें, इसके हम सवालात दर्ज ज़ैल आयत कुरानिया मुकम्मल कर दें। आयत आपके सामने, इसका हिस्सा छोड़ा हुआ हमने, वो देख के मुकम्मल करें। नंबर दो प्रोफेसर ज़ाबनिर्स की बयान करदा मुआशियात की तारीफ़ बयान करें। इस्लाम में टैक्स आयद करने के दो असूल। दर्जल कुतुब के मुसन्निफ़ के नाम मुआशियात इस्लाम, इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम, इस्लाम के नज़रिया लगान की तीन असूल, सूद की उर्मत से मुतालिक एक कुरानी आयत तहरीर करें, मसारे ज़कात मसारिफ़ ज़कात से मुतालिक एक कुरानी आयत। मुसलमान माहरीन मुआशियात ने इकनॉमिक्स में कौन कौन से नए नाम दिए। नज़रिया ज़ायदुल कद्र ज़ायद से क्या मुराद है। असराफ और तदबीर में फ़र्क बयान करें। टैक्स की तारीफ़ और टैक्स की अकसाम बयान करें। उशो रशूर में फ़र्क बयान करें। माल गनीमत और माल में फ़र्क बयान करें। सूद से मुतल्लिक़ दो कुतुब। मौल्लफीन के नाम, ज़कात और टैक्स में फ़र्क। सरमायदारी निज़ाम की चार अहम खसूसियात। कस्ब हलाल के बारे में हदीस बमा तर्जमा। जुज़वी और कुली मुआशियात में फ़र्क बयान करें। मसारबत से क्या मुराद है। रकाज और कंज के क्या मानी हैं, फ़र्क लिखिए। इस्लामियात के ऑप्शनल अख्तियारी पेपर, उसमें पहला पेपर है इस्लाम और साइंस,
तो ये एमए पार्ट टू का चौथा पेपर हो जाएगा। इब्नुल हाशिम किस फन का माहिर था, उसकी मशहूर किताब का नाम। हारून रशीद ने कौन सी अकेडमी कायम की और उसका क्या नाम था। जाबिर बिन हयान किस फन का माहिर है। इब्न सीना किस फन में मारूफ है। किसी मगरबी मुसन्निफ़ के मुताबिक इल्म कीमिया दरअसल मुसलमानों की ईजाद है। किस मगरबी मुसन्निफ़ के मुताबिक। मुशाहदे और तजर्बे के हवाले से कोई कुरानी आयत बयान करें। इस मुसलमानों के ईजाद करदा चार साइंसी आलात। किस मुसलमान साइंसदान ने ज़मीन का कुतर मालूम किया था। साइंसी तरक्की के लिए मुसलमानों का बैन अल-अक़वामी कौन सा और कहाँ वाक़ है। बैन अल-अक़वामी मुतअद्दी अमराज का तारुफ किस मुसलमान साइंसदान ने कराया। हिफ्ज़ान सियत के असूल बताएँ। इल्म हैवानात के हवाले से कुरानी आयत। फ़न असला साजी के दो कदीम इस्लामी मराकज़ के नाम। मौलम अव्वल मौलम सानी किसको कहा जाता है। लेगेसी ऑफ इस्लाम किसकी तालीफ है। बैतुल हिकमत के दो मुतरजमीन के नाम लिखें। दौरान खून का नज़रिया किस मुस्लिम साइंसदान ने पेश किया। चीचा का टीका किसने ईजाद किया। मुसलमानों के फ़न तामीर की दो खसूसियात। मोबाइल अस्पताल का तरीका किस मुसलमान तबीब ने राइज किया। एम ए इस्लामियात पार्ट टू का आखिरी पेपर और हमारा ऑप्शनल दूसरा पेपर इस्लामी और जदीद सियासी और इमरानी अफकार। रियासत और हुकूमत में फ़र्क। निकाह के अरकान। इश्तराकियत की इंजील किस किताब को कहते हैं। इसे किसने अमली शक्ल दी। बीवी के तीन मुआशी हकूक। अहम आज़ाए रियासत लिखिए। पाक व हिंद के चंद मशहूर दीनी मकातीब व मदारिस के नाम लिखें। खुला और तलाक में फ़र्क बयान करें। खिलाफत इंसानी के बारे में आयत करीमा मा तर्जमा। जहाद के लुगवे और इस्लाही मानी। अजमत इंसानी के बारे में मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। इस्लामी कानून के बुनियादी माखज़ कौन से हैं। मसावात इंसानी के बारे में आयत मा तर्जमा बयान करें। इस्लाम में अदल का मफहूम क्या है कुरानी आयत की रूह से बयान करें। बुनियादी मसाजिद कौन सी हैं और कितनी हैं। जुर्म और गुनाह में फ़र्क है। पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े इदारे का नाम लिखें। कार्ल मार्क्स की वजह शोहरत। हुकूमत के तीन बुनियादी इदारों के नाम। वहदत वजूद और वहदत शहूद में फ़र्क। मौजज़ा और करामत में फ़र्क बयान करें। तो ये हमारे मारूजी सवाल थे एम ए इस्लामियात पार्ट वन पार्ट टू के। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह करने से आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी मिलती रहेंगी, पेपरों की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और अहम पेपर और गेस्ट भी साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। इन सवालात का जवाब आपको मकतबा दानियाल की जो हलशुदा पेपर है वहाँ से मिल जाएगा। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।